अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छूने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मंदिर क्यों जाते हो? अपमान होता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, वहां हत्याएं होती हैं, तो मंदिर मत जाओ। जहां अपमान होता है, जहां हत्याएं होती हैं, वहां मत जाओ। ये कहना है, ये भाषण है अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का। लगातार ये हिंदू विरोधी भाषण देते रहते हैं, इसी वजह से पहले ये मंत्री थे लेकिन अपनी पद से हाथ इन्होंने धो लिया खुद ही अपने भाषण के चलते। लगातार ये हिंदू विरोधी भाषण देते हैं, इस बार इन्होंने सीधे तौर पर मंदिर पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी मंदिर जा रहा है, जो दलित हैं, वो मंदिर जो जाते हैं वहाँ हत्याएं होती हैं, मूर्तियां छूने की वजह से हमारे भाइयों की हत्या कर दी जाती है, वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ये नेता हैं जो लगातार हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं। आप खुद ही सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। आप ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बार बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छूने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपके बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए? जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। आगे राजेंद्र पाल गौतम इस वीडियो में कहते हैं कि जहां आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए, जहां अपमान हो वहां जाना बंद करो। 30 सेकंड के इस वीडियो में राजेंद्र गौतम बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, ये वीडियो हरियाणा के सोनीपत जिले का है, जहां के लहराड़ा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भाषण दिया, जिस पर अब भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर खुद को कट्टर हनुमान भक्त बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजेंद्र पाल गौतम को अपनी पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। गौरव भाटिया लिखते हैं, मंदिरों में जाना बंद करो। मंदिरों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, मंदिरों में दलितों को मारा जाता है। आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने एक बार फिर मंदिरों और हिंदुओं को गाली दी है। इससे पहले 10,000 लोगों के सामूहिक धर्मांतरण के दौरान वह लोगों को हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ दिला रहे थे। कट्टर हिंदू भक्त केजरीवाल ने बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए उन पर कार्रवाई कर उन्हें अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तो गौरव भाटिया लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू विरोधी जो बयान गौतम ने दिए हैं, क्या उस पर अब पार्टी एक्शन लेगी? क्या अरविंद केजरीवाल, जो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं, उन्होंने इस तरह से मंदिरों में जाने पर हत्या और रेप जैसे संगीन आरोप लगाए और ऐसा कहा है कि आप वहां जाना बंद कर दें? अगर आपके साथ जहां अपमान हो रहा है, मंदिरों में अपमान हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, इस तरह से इन्होंने भाषण दिए हैं और विवादित भाषण देकर अब क्या अरविंद केजरीवाल इन पर कोई एक्शन लेंगे? यह सवाल है गौरव भाटिया का। अब इनके बयान पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।